हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम निशा पंवार। हमारी लास्ट वीडियो में हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में स्टडी किया था। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप कौन कौन सी सिचुएशन में देते हो और फिर उसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है, क्या क्या उसकी जर्नल एंट्रीज होती हैं, हमने इसके बारे में स्टडी किया था। साथ ही हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने के दो मेथड होते हैं, फर्स्ट इज़ प्रोडक्ट मेथड एंड द सेकेंड इज़ एवरेज पीरियड मेथड। तो हमने इन दोनों के बारे में स्टडी किया था। इन दोनों टॉपिक से रिलेटेड जो भी आपकी वीडियो हैं उनके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, और इससे पहले के जितने भी टॉपिक हमारी पार्टनरशिप के हैं उन सब के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हो। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मैनेजर एडमिटेड एज अ पार्टनर, कि अगर आपकी पार्टनरशिप फर्म में कोई मैनेजर वर्क कर रहा है और आप उसको एज अ पार्टनर अपॉइंट करना चाहते हो, एज अ पार्टनर आप अपनी पार्टनरशिप में उसको एडमिट करना चाहते हो, तो क्या प्रोसेस होता है, क्या एंट्रीज होंगी और किस तरीके से करेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा वो है गारंटी ऑफ प्रॉफिट, कि कई बार ऐसा होता है कि हमारे प्रॉफिट इतने सफिशिएंट नहीं होते कि आप हर पार्टनर को उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप उतना प्रॉफिट उनको प्रोवाइड कर सको, तो हम किसी पार्टनर को एक गारंटी दे देते हैं कि इस पार्टनर को इतना प्रॉफिट मिल ही जाएगा। जस्ट सपोज़ ए बी सी पार्टनर हैं आपके, तो सी को आपने गारंटी दे दी कि तुम्हें 50,000 का प्रॉफिट मिलेगा, बट आगे जाके ऐसा होता है कि आपके प्रॉफिट इतने होते ही नहीं है कि आप उसको 50,000 दे पाओ, तो अगर कुछ डेफिशिएंसी रहती है तो वो डेफिशिएंसी ए और बी, या फिर अगर उन दोनों में से किसी एक ने बोला है कि मैं पूरी करूँगा तो वो पूरी कर देगा, तो इस तरीके से उस पार्टनर को या फिर सी को उसका प्रॉफिट पूरा मिल जाता है जितना उसको चाहिए होता है, तो ये गारंटी ऑफ प्रॉफिट है। तो इसमें कैसे करना है अभी हम लोग उसके बारे में स्टडी करेंगे। हमारा फर्स्ट टॉपिक है गारंटी ऑफ प्रॉफिट। गारंटी ऑफ प्रॉफिट मैंने जस्ट अभी आप लोगों को बताया कि आप किसी एक पार्टनर को गारंटी दे देते हो कि हमारे पार्टनरशिप फॉर्म में प्रॉफिट हो या लॉस हो या कम प्रॉफिट हो, बट तुम्हें इतना प्रॉफिट मिल जाएगा। तो अगर एक पार्टनर को आप एक्स्ट्रा प्रॉफिट दे रहे हो, ठीक है, तो उसकी जो डेफिशिएंसी होगी वो तो पुराने वाले पार्टनर्स को लेनी पड़ेगी, मतलब उनके प्रॉफिट्स में से हमें वो लेस करनी पड़ेगी, तभी तो हम उस थर्ड पार्टनर को उसके हिस्से का जितना उसको प्रॉफिट चाहिए उतना प्रॉफिट दे पाएंगे। तो इसके दो केसेस होते हैं, या तो ऑल द रिमेनिंग पार्टनर्स इन एग्रीड रेशो, या तो सारे के सारे पार्टनर एग्री हो जाएं कि जितना भी हमारी डेफिशिएंसी होती है हम जितने भी आपके पार्टनर हैं जो बचे हुए हैं दो या तीन जितने भी, तो हम सब मिल के उसको अपने प्रॉफिट्स में से निकाल के उसको दे देंगे, या फिर वन और मोर ऑफ द एग्जिस्टिंग, या जितने बचे हुए हैं उसमें से कोई एक गारंटी दे दे, या फिर एक से ज़्यादा लोग गारंटी दे दें। तो फर्स्ट हमारा केस है, फर्स्ट जो केस है वो है गारंटी ऑफ प्रॉफिट बाय ऑल द रिमेनिंग पार्टनर। अगर सारे के सारे आपके रिमेनिंग पार्टनर गारंटी दें तो हम क्या करेंगे, तो फर्स्ट स्टेप आपका होता है कि आप जो आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग आप प्रॉफिट कैलकुलेट करो। सबसे पहला काम आपका यही होता है, प्रॉफिट आपको गिवन होता है, आपको रेशो गिवन होता है, आपके जितने भी पार्टनर हैं आप उनका नॉर्मल जैसे हम लोग प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं उनके रेशो के अकॉर्डिंग वो कैलकुलेट करो। उसके बाद सेकंड स्टेप होता है मिनिमम गारंटेड प्रॉफिट इज डिटरमाइंड, कि जितना भी मिनिमम प्रॉफिट डिटरमाइंड हुआ है वो देखो कि कितना प्रॉफिट डिटरमाइंड हुआ है, फिर अगर जितना हमें गारंटी देनी है उतना ही है तो कोई दिक्कत ही नहीं, लेकिन अगर गारंटी वाला प्रॉफिट ज़्यादा होता है और जो हम रेशो से निकालते हैं वो आपका कम होता है, तो उस केस में जो डेफिशिएंसी होगी वो जो सारे पार्टनर्स बचेंगे हम उनके, या तो उन्होंने जो रेशो डिसाइड किया है उस रेशो में, या फिर जो उनका रेशो ऑलरेडी है उस रेशो में उन दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अब ये और कैसे करना है हम एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं जिससे आपको ये स्टेप और ये वाला केस क्लियर समझ में आ जाएगा। नाउ स्टूडेंट, हमारा एग्जाम्पल है ए बी सी आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशो 4:2:1।
It is provided that C's share in profit would not be less than 37,500 कि जो आपको C को share देना है वो आपका 37,500 minimum होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए, ठीक है, इससे ज़्यादा हो कोई दिक्कत नहीं है बट कम नहीं होना चाहिए. प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019, आपका प्रॉफिट आपको दिया हुआ है 1,57,500 पास जनरल एंट्रीज एंड प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट. तो एंट्रीज और अकाउंट हम लोग मैं आपको एक में ही बता दूंगी, इसी में ही आपकी एंट्रीज भी हो जाएंगी और अकाउंट भी मेंटेन हो जाएगा, ठीक है. तो हमारा केस है यहाँ पे उसने मेंशन नहीं किया हुआ कि ए ने गारंटी लिया है या बी ने गारंटी लिया है, तो हम लोग ये मान लेते हैं कि गारंटी सी को हम लोग दे रहे हैं और ए और बी दोनों उस डेफिशिएंसी को बेयर करेंगे, ठीक है. तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप मैंने आपको बताया था कि हम लोग प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के अकॉर्डिंग हम लोग प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं. तो स्टेप फर्स्ट जो हमारा था, ये सब आपको वर्किंग नोट्स में डालना है, ठीक है. तो स्टेप फर्स्ट, ए का प्रॉफिट आप निकालोगे, ए का शेयर है 421, तो ए का शेयर 4 हो गया, 213 4/7 into 157500, तो ये आपका निकलता है 90,000. इसी तरीके से अगर आप बी का निकालते हो तो बी का आपका निकलेगा 45,000 एंड सी का आपका निकलेगा 22,500. बट सी को हमें कितना प्रॉफिट देना है, सी को हमें देना है 37,500, बट हमारा रेशो के अकॉर्डिंग कितना निकला है, 22,500. तो डिफरेंसिंग अमाउंट कितना हुआ, 37,500 में से अगर आप 22,500 लेस कर दोगे तो आपका बचता है 15,000. तो ये 15,000 ए और बी दोनों को बियर करना पड़ेगा. तो ए और बी उन्होंने कोई स्पेसिफिक रेशो उनका दिया नहीं है, तो हम लोग सी का रेशो हटा के ए और बी का कितना बचा, 4:2. तो 4:2 को आप सॉल्व कर सकते हो, तो आपका बच जाता है 2:1. तो जो 15,000 है वो 2:1 में हम ए के प्रॉफिट से निकाल लेंगे और बी के प्रॉफिट से निकाल लेंगे, और वो ऐड किस में कर देंगे, सी में, ठीक है. तो 15,000 इंटू 2/3 ये ए अपना बियर करेगा, तो ये आपका हो जाता है 10,000, ठीक है. और ऐसे ही अगर आप बी का कैलकुलेट करोगे तो 15,000 इंटू 1/3 तो ये आपका हो जाएगा 5,000. तो 10,000 और 5,000, तो 10,000 ए में से लेस कर देंगे, 5,000 आप बी में से लेस कर दोगे, और जो ये 15 है ये 15 सी में क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे, ठीक है. अब इनकी एंट्रीज़ कैसे करनी है, अकाउंट में कैसे शो करना है, तो सबसे पहले हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या काम होता है, हम लोग जो हमारा लॉस या प्रॉफिट जो भी है उसको ट्रांसफ़र करते हैं. तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या ट्रांसफ़र किया हमने, नेट प्रॉफिट ट्रांसफ़र किया. ये कितना है हमारा, 1,57,500. अब सब पार्टनर्स में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो 2A's कैपिटल, ए को कितना प्रॉफिट मिलेगा, ए का खुद का उसका 90,000 है, और जो उसने उसमें से लेस कर देंगे हम कि उसने शी को दिया हुआ है, शी शेयर कितना दिया उसने, सी को उसने सपने में से 10,000 दिया, तो 10,000 हम यहाँ से लेस कर देंगे, तो ए को कितना प्रॉफिट मिला, 80,000. ऐसे ही बी का करेंगे, तो बीस कैपिटल, बी का कितना कैलकुलेट हुआ था, 45,000 कैलकुलेट हुआ था, उसने लेस कर दिया उसमें से सी का जो शेयर था वो कितना है, 5,000. तो आपका कितना बचा, 40,000 आपको बी को देना पड़ा. उसके बाद सीज कैपिटल, अब सी का प्रॉफिट कितना बन रहा है, उसका प्रॉफिट बन रहा था 22,500, और उसमें ऐड कर देंगे हम लोग कि जो डेफिशिएंसी रिकवर्ड बाय बोथ, ठीक है, डेफिशिएंसी रिकवर्ड बाय बोथ ए एंड बी, तो कितनी उन्होंने दोनों ने दिए हैं 15,000 रुपये. तो ये इसका हो गया टोटल 37,500. यहाँ का टोटल करो तो आपका आ जाता है 1,57,500, और इधर का टोटल ऑलरेडी ये है ही हमारे अकाउंट क्लोज. तो इस तरीके से हमें अगर किसी एक पार्टनर के प्रॉफिट को जो आपने गारंटी दे रखी है उतना प्रॉफिट हमारा नहीं बनता है तो हम उसको कैसे देंगे. अगर किसी एक इसी क्वेश्चन में अगर जो सेकेंड वाला केस है हम वो भी सॉल्व कर सकते हैं. देखो आपका 90,000 ए का शेयर बना, 45,000 आपका बी का शेयर बना, हमें 15,000 की कमी थी, ठीक है. तो अगर ए ये बोल देता है कि मैं ही सारी डेफिशिएंसी शेयर कर लूँगा,
तो जो 15,000 था वो पूरा का पूरा आप 90 में से लेस कर दोगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो बचेगा 75,000 वो ए का शेयर हो जाएगा और बी को अपना पूरा 45 मिलेगा और सी को 37,500 तो मिल ही जाएगा। तो अगर सारे पार्टनर जितने बच गए सारे अगर गारंटी देते हैं तो आप ऐसे करोगे, अगर कोई एक पार्टनर गारंटी देता है तो उस एक पार्टनर में से लेस कर देंगे। बस यही हमारा टॉपिक था, गारंटी ऑफ प्रॉफिट। अभी मैंने आपको बताया कि अगर हम किसी एक पार्टनर को गारंटेड प्रॉफिट देते हैं तो उसके दो केसेस होते हैं, या तो सारे पार्टनर्स उसकी डेफिशिएंसी को बियर कर लें या फिर कोई एक या दो पार्टनर उसकी डेफिशिएंसी को बियर कर ले, तो उस केस में हम कैसे सॉल्व करते हैं। बट ये तो बात हुई सिर्फ प्रॉफिट की, लेकिन अगर हमारी फर्म को लॉस हो जाता है तो उस केस में हम क्या करेंगे। तो उसके लिए एक एग्जांपल हम लोग ले रहे हैं, ए एंड बी एंड सी आर पार्टनर्स हैविंग कैपिटल्स ऑफ रुपीज़ 1 लाख 8 लाख एंड 6 लाख और इन अ फर्म एंड शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली। वो लोग प्रॉफिट्स इक्वली शेयर कर रहे हैं तो उनका जो रेशो है वो क्या है, 1:1:1। सी इज़ गारंटीड मिनिमम प्रॉफिट ऑफ रुपीज़ 1 लाख एज शेयर ऑफ प्रॉफिट एवरी ईयर। जो सी है उसको 1 लाख का गारंटीड प्रॉफिट चाहिए एवरी ईयर। द फर्म इनकर्ड अ लॉस ऑफ रुपीज़ 3 लाख। जो फर्म है उसको 3 लाख रुपीज़ का लॉस हुआ है एट द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। यू आर रिक्वायर्ड शो द नेसेसरी अकाउंट फॉर डिविजन ऑफ लॉस। तो हम लोग लॉस को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो एक मैंने छोटी सी टेबल बना ली है, ठीक है। तो आपकी फॉर्म को लॉस कितना हुआ है, लॉस आपको हुआ है 3 लाख रुपीज़ का, ठीक है। तो 3 लाख रुपीज़ का लॉस हुआ है। सी को तो कुछ भी नहीं चाहिए, उसको तो लॉस लेना ही नहीं है, उसे सिर्फ प्रॉफिट चाहिए, तो सी को हम कुछ भी नहीं देंगे। ए के अकाउंट में हम लोग डाल देंगे 1,50,000 और 1,50,000। हम इनको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, मीन्स इनके अकाउंट में से माइनस करेंगे ये अमाउंट, ठीक है। उसके बाद जो सी को प्रॉफिट चाहिए, तो सी को अगर प्रॉफिट चाहिए तो सी को 1 लाख का प्रॉफिट चाहिए। ये 1 लाख का प्रॉफिट हम कहाँ से माइनस करेंगे, ए और बी में से माइनस करेंगे। तो ए में से हम 50,000 माइनस कर देंगे और बी में से भी हम लोग 50,000 माइनस कर देंगे। तो टोटल कितना हुआ, आपकी टोटल 3 लाख का तो लॉस हुआ ही है आपकी फॉर्म को, उसमें से 2 लाख रुपीज़ आप ए के अकाउंट में डेबिट कर दोगे, 2 लाख रुपीज़ ही बी के अकाउंट में डेबिट कर दोगे और 1 लाख रुपीज़ से सी का अकाउंट क्या कर दोगे, क्रेडिट कर दोगे। मीन्स सी को प्रॉफिट मिल जाएगा और ये दोनों अपना 150 का इन लोगों का लॉस डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है। अब इसकी एंट्रीज कैसे करनी है, तो सबसे पहले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हम लोग क्या करते हैं, उसकी कैपिटल का बैलेंस डालते हैं, ठीक है। तो बाय बैलेंस बी डी, कितना कितना बैलेंस है, ए ने लगाया 1 लाख रुपीज़, बी ने लगाया 8 लाख एंड सी ने लगाया आपका 6 लाख, ठीक है। उसके बाद सबसे पहले लॉस आपने ट्रांसफ़र किया तो ए और बी को क्या किया, डेबिट किया। तो टू कहाँ से करेंगे ये, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से, ठीक है। एप्रोप्रिएशन में आपको सिर्फ ए की एंट्री करनी है, सबसे पहले लॉस ट्रांसफ़र करने की 3 लाख रुपीज़ और फिर ए और बी में ट्रांसफ़र करने की 150। जो ये वाली एंट्री है ये आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में नहीं करनी, ये आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में शो करनी है। तो आपने लॉस ट्रांसफ़र किया, ए को आपने किया 1,50,000, बी को आपने किया 1,50,000 और सी को कुछ भी नहीं मिलेगा। उसके बाद जो सी का प्रॉफिट है वो ए और बी को डेबिट करना है, सी को क्रेडिट करना है। तो आपकी एंट्री क्या होगी, ए डेबिट बी डेबिट टू सीज़ कैपिटल, ठीक है। तो यहाँ पे आप कर दोगे टू सीज कैपिटल, ए ने दिया 50,000 रुपीज़, बी ने दिया 50,000 रुपीज़, ठीक है। और यहाँ पे बाय एज कैपिटल एंड बाय बीज कैपिटल, तो ए और बी में कुछ नहीं आएगा, सी में आप 50,000 का प्रॉफिट यहाँ पे और 50,000 का प्रॉफिट बी ने दिया। बस ये एंट्रीज आपकी हो गई। अब इसके बाद आपका क्या काम करना होता है, आपको टोटलिंग करनी होती है और बैलेंसिंग फिगर निकालना होता है। तो यहाँ पे ये सॉरी ये आपका 10 लाख रुपीज़ है, नॉट 1 लाख। तो यहाँ पे हमने 10 लाख डाला और ये आपका हो गया 8 लाख सॉरी, और यहाँ पे आपका हो जाएगा 7 लाख। यहाँ पे बैलेंस बी डी निकल जाएगा, बैलेंस सी डी, बैलेंस सी डी आपका निकल जाएगा, यहाँ आ जाएगा 8 लाख, यहाँ पे हो जाएगा आपका 6 लाख और यहाँ पे पूरा का पूरा 7, ठीक है।
टोटल हम यहाँ नीचे लिख देंगे 10 लाख, यहाँ पे 8 लाख एंड इधर 7 लाख। तो हमें इस तरीके से करना होता है। अगर आपका आपकी फर्म में आपको लॉस होता है तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में जिस पार्टनर को गारंटेड प्रॉफिट देना है उसकी कोई एंट्री नहीं करनी, वहाँ आपको सिर्फ लॉस को ट्रांसफ़र कर देना है ए और बी जो आपके रिमेनिंग पार्टनर्स हैं उनमें, और फिर कैपिटल अकाउंट में आप एंट्री करोगे। जिस पार्टनर को प्रॉफिट आपको देना है उसको आप डेबिट करोगे और टू रिमेनिंग पार्टनर्स करोगे, ठीक है। नाउ स्टूडेंट, हमारा जो सेकंड टॉपिक है वो है मैनेजर एडमिटेड एज अ पार्टनर, कि जो अगर आपकी फॉर्म में कोई मैनेजर जॉब कर रहा है तो अगर आप उसको एज अ पार्टनर एडमिट करना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा। तो इस केस में आपके कुछ स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो करने होते हैं। फर्स्ट स्टेप इज़ कंप्यूट द अमाउंट पेड एज अ रेमुनरेशन एज अ मैनेजर, कि आपको वो अमाउंट कंप्यूट करना है जो आप उसे एज अ मैनेजर पे करते थे या अभी तक वो लेता आया है, ठीक है। स्टेप टू, कंप्यूट द अमाउंट विच शुड बी अलाउड टू द मैनेजर ऑन बिकमिंग अ पार्टनर, कि अगर वो पार्टनर बन जाए तो उसको कितना अमाउंट मिलेगा, आपको वो कैलकुलेट करना है, ठीक है। उसके बाद इफ़ स्टेप टू अबव इज मोर क्रेडिट टू हिज अकाउंट एंड डेबिटेड टू ओल्ड पार्टनर, तो देखो अगर उसको एज अ पार्टनर ज़्यादा मिल रहा है और उसको एज अ मैनेजर कम मिल रहा था तो आप क्या करोगे, वो अमाउंट उसको दे दोगे और फिर आगे आपकी पार्टनरशिप स्टार्ट हो जाएगी। और अगर इसी का उल्टा होता है कि उसको एज अ मैनेजर ज़्यादा मिल रहा था और उसको एज अ पार्टनर कम मिल रहा है तो आप क्या करोगे, तो आप उसको उतना अमाउंट उसके उसके जो एज अ मैनेजर उसको मिल रहा था उतना उसके अकाउंट से उस पैसे वापस ले लोगे और फिर उसको एज अ पार्टनर जितना मिल रहा है उतना ही दे के आपकी पार्टनरशिप स्टार्ट हो जाएगी। तो अगर आप उसके अकाउंट में पैसे जमा करोगे तो आप उसके अकाउंट को क्रेडिट करोगे, बाकी पार्टनर्स को डेबिट करोगे। अगर आप उसके अकाउंट से पैसे निकालोगे तो आप उसके अकाउंट को डेबिट करोगे और बाकी सारे पार्टनर्स के अकाउंट को क्रेडिट करोगे। इसको सारे स्टेप्स को और अच्छे से समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं तो फिर आपके ये सारे स्टेप्स क्लियर हो जाएंगे। हमारा एग्जांपल है एक्स एंड वाई आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो 4:1, कि एक्स और वाई आपके ऑलरेडी पार्टनर हैं एक फर्म में। दे डिसाइड टू एडमिट जेड, उन्होंने जेड को डिसाइड किया है एडमिट करने के लिए, तो जो उनका मैनेजर है, विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2018, और 1 अप्रैल 2018 से लेके अब 19 तक वो लोग जितना प्रॉफिट है मतलब उस प्रॉफिट पे ही इफेक्ट आएगा, उससे पहले वाले प्रॉफिट पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। देन जेड एज अ मैनेजर वाज गेटिंग सैलरी ऑफ 8,000 पर मंथ, उसको 8,000 का सैलरी मिल रहा था, साथ में कमीशन ऑफ 5% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच सैलरी एंड कमीशन, और ये सैलरी और कमीशन चार्ज करने के बाद वाले नेट प्रॉफिट पे उसको 5% का कमीशन भी मिल रहा था। तो आफ्टर नेट प्रॉफिट का मैंने आपको बताया था कि जो परसेंटेज होती है उसके अपॉन में 100+% करके हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। एज पर द पार्टनरशिप डीड एनी एक्सेस अमाउंट विच जेड शैल बी एंटाइटल टू रिसीव एज अ पार्टनर ओवर द अमाउंट, कि अगर उसको एज अ पार्टनर जो भी एक्सेस अमाउंट उसको मिलता है विच हैव बीन ड्यू टू हिम एज अ मैनेजर, जो उसको एज अ मैनेजर ड्यू था उसके मतलब जो एक्सेस अमाउंट होता है जो उसको एज अ पार्टनर या एज अ मैनेजर में से, अगर एज अ मैनेजर ज़्यादा पैसा मिलता था एज अ पार्टनर कम मिलता है, या फिर एज अ मैनेजर कम मिलता था एज अ पार्टनर ज़्यादा मिलेगा, तो उस पैसे को कौन बोन करेगा। दिस अमाउंट वॉज बोन बाई एक्स आउट ऑफ हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड जो आपका है वो दिया हुआ है 13,056,000 बिफोर सैलरी एंड कमीशन। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि कुछ एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं जो आपके प्रॉफिट हो या ना हो आपको पे करने होते हैं, कुछ प्रॉफिट ऐसे होते हैं जो आपको प्रॉफिट होने पर ही पे करने होते हैं। तो अगेंस्ट प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, तो मैनेजर कमीशन और मैनेजर सैलरी हमारे लिए हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, तो ये आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपको लेस करना होता है, ठीक है। और उसके बाद का जो प्रॉफिट बचता है उस प्रॉफिट को हम लोग पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो जो आपका प्रॉफिट है वो आपका है 13,056,000, ठीक है। अब पार्टनर को अगर जेड जब एज अ मैनेजर था तो उसको क्या क्या मिलता था, एज अ मैनेजर उसको 8,000 की सैलरी मिलती थी पर मंथ, तो 8,000 की उसको सैलरी मिली इंटू 12, ये आपका बनता है 96,000, ठीक है। और उसको कमीशन कितना मिलता था, कमीशन उसको मिलता था आफ्टर चार्जिंग सैलरी एंड सच कमीशन, ये कमीशन चार्ज करने के बाद, तो आप 5
5% था, तो 5/105 इंटू कर दोगे 13,56,000 माइनस 96,000, तो ये आपका कैलकुलेट करने पे आएगा 60,000। ठीक है, उसको एज अ मैनेजर कितना अमाउंट मिल रहा है, 1,56,000 उसको अभी मिल रहा है। और आपका डिस्ट्रीब्यूटर प्रॉफिट कितना हो जाएगा, इसमें से अगर आप ये लेस कर दोगे तो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट जो आपका बचता है वो आपका बचता है 12 लाख। ठीक है, उसको आप एक्स और वाई में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, तो एक्स को अगर आप शेयर करोगे 4:1 में, इनको आप शेयर करोगे तो आपका प्रॉफिट बनता है, एक्स का बनता है आपका 9,60,000 एंड वाई का आपका बनता है 2,40,000। ठीक है, और अगर ये तो हो गया कि अभी तक हम जो करते आए थे, हमारा इतना प्रॉफिट हुआ, हमने उसको सैलरी या कमीशन दे दिया, जो प्रॉफिट बचा वो हमने एक्स और वाई में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। बट अगर हम उसको एज अ पार्टनर अपॉइंट कर रहे हैं, तो एज अ पार्टनर अपॉइंट तो ना तो उसको कमीशन मिलेगा, ना उसको सैलरी मिलेगी, तो यही प्रॉफिट हमने उसको 1/8 शेयर के लिए एडमिट किया है, तो उसका जो 1/8 का शेयर हम लोग निकालेंगे, 1/8 of 13,56,000 हम ये कैलकुलेट करेंगे, तो हमारा बनता है 1,69,500। तो ये उसको एज अ पार्टनर मिलना चाहिए। अब एज अ पार्टनर, एज अ मैनेजर उसको ये मिल रहा है, एज अ पार्टनर ये मिल रहा है, तो एक्सेस अमाउंट कितना हुआ, उसको एज अ पार्टनर ज़्यादा मिलेगा, तो वो ज़्यादा कौन बियर करेगा, वो बियर करेगा एक्स, हमें वो एक्स के प्रॉफिट में से लेस करना पड़ेगा। तो अगर आप ये लेस करते हो 1,69,500 में से 1,56,000, तो आपका अमाउंट आता है 13,500। तो ये आपको कहाँ से लेस करना पड़ेगा, एक्स के अकाउंट में से लेस करना पड़ेगा बस। बाकी अगर आप ये सब डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, उसके बाद जब आपका नेक्स्ट सेशन स्टार्ट होगा 1 अप्रैल 2019, तो आप लोग एज अ 3 पार्टनर अपनी पार्टनरशिप फर्म चला सकते हो। अब हम इसकी एंट्रीज कैसे करेंगे, तो सबसे पहले आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओगे, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, तो सबसे पहले आपका काम होता है प्रॉफिट ट्रांसफ़र करने का, बाय प्रॉफिट एंड लॉस, यहाँ पे आ जाएगा आपका नेट प्रॉफिट कितना है आपका 13,56,000, 2x कैपिटल, तो x को कितना मिलेगा 9,60,000 तो उसका था ही, उसमें से ये उसको वो z को पे करेगा, तो उसका प्रॉफिट कितना बचेगा, उसका बचेगा 9,46,500, 2 वाइज कैपिटल, वाई को किसी को बॉन्ड किसी को देने की ज़रूरत नहीं है, तो उसको अपना पूरा का पूरा मिल जाएगा 2,40,000, और 2Z को जो भी उसका प्रॉफिट है वो पूरा का पूरा मिलेगा 1,69,500। आप टोटल करोगे तो यहाँ का टोटल भी आपका सेम आएगा और यहाँ का टोटल भी आपका सेम आएगा, एंड अकाउंट क्लोज्ड। मतलब आपको सिर्फ यही करना होता है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहीं करना। देखो यहाँ पे क्या हुआ था कि उसको एज अ मैनेजर कम मिल रहा था, एज अ पार्टनर ज़्यादा मिल रहा था, तो हमने क्या किया, उतने अमाउंट का उसके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया, उसको उतने ही पैसे से डेबिट क्रेडिट कर दिया, और जो रिमेनिंग पार्टनर थे उसमें से वो डेबिट कर दिया। अगर इसका उल्टा अगर होता है, अगर उसको एज अ मैनेजर ज़्यादा मिल रहा होता है और एज अ पार्टनर अगर उसको कम मिलता है, तो हम क्या करेंगे, उसके कैपिटल में से हम यहाँ पे लेस करते और जो भी रिमेनिंग पार्टनर होते उनके उनको वो पैसा मिल जाता। ठीक है, वो अब वो उनकी मर्जी थी कि अगर देखो इस केस में जैसे एक्स बॉर्न कर रहा है, तो अगर एक्स लॉस की भरपाई कर रहा है तो ऑब्वियसली जब गेन होगा तो भी सिर्फ एक्स को ही मिलेगा, और अगर एक्स और वाई दोनों बॉर्न कर रहे होते तो हम दोनों को डिस्ट्रीब्यूट कर देते। तो अगर आप एज अ मैनेजर, जो भी आपका मैनेजर है उसको एज अ पार्टनर अपॉइंट करते हैं, तो उसको इस तरीके से सॉल्व किया जाएगा। इसके बाद हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो भी आपकी एरर्स हो जाती हैं पार्टनरशिप अकाउंट में, उनको कैसे रेक्टिफाई करते हैं उसके बारे में स्टडी करेंगे। और आज के टॉपिक से रिलेटेड आपको कुछ भी क्वेश्चन पूछना हो या फिर आपके कोई डाउट्स हैं, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।